एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। आदर्श नगर इलाके में महिला ने युवक से दोस्ती तोड़ी तो दिन दहाड़े युवती को मारे चाकू। सुखविंदर नाम की युवक ने महिला मित्र को मारे चाकू। युवती को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर अंबेडकर अस्पताल में किया गया रेफर। वारदात के बाद मूक दर्शक बने रहे लोग। स्थानीय लोगों का कहना है, कंझावला और आदर्श नगर की वारदात से महिलाओं में बना हुआ है डर का माहौल। पुलिस ने आरोपी को अंबाला से किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के लोग कंझावला मामले को सोच ही रहे हैं कि दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित युवती 21 साल की है और केवल पार्क एक्सटेंशन इलाके में रहती है। सुखविंदर नाम की युवक से 4-5 साल पहले उसकी दोस्ती थी, वह पड़ोस में ही रहता है। पीड़िता का कहना है, परिजनों को सुखविंदर से उसकी दोस्ती पसंद नहीं थी, इसलिए सुखविंदर से धीरे धीरे दूरियाँ बना ली, बात बंद कर दी। सोमवार दोपहर जब कार ड्राइविंग सीखने पीड़िता घर से निकली, तभी सुखविंदर ने बात करने के बहाने बुलाया और वहां पर गली में ले जाकर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। मैम, जो वारदात हुई उसके बारे में आपको भी मालूम हुआ होगा कितना ज्यादा अब आप लोग खुद भी महिला होने के नाते असुरक्षित महसूस करते हैं, और क्या थी पूरी वारदात बताएं। बिल्कुल बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं ही नहीं, पूरी दिल्ली में महिलाएं जो है असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है। अभी हमारा एक कंझावला का इतना बड़ा हादसा हुआ, अभी वो हादसा से हम उबरे भी नहीं थे कि ये हमारे एरिया में एक नया हादसा हो गया। दिन दहाड़े एक बच्ची के साथ ऐसी वारदात होती है, ये हमारे दिल्ली में जो प्रशासन है उसकी जो लचर व्यवस्था है, ये साफ नजर आ रही है कि हमारी प्रशासन दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। दिन दहाड़े ऐसी वारदात हो जाती है, महिला कितनी सुरक्षित मानते हैं? महिला सुरक्षित नहीं है सर, आप लोगों न्यूज़ रिपोर्टर है, आप लोगों को पता होगा अभी कंझावला में कितनी बुरी तरह से, वहाँ पुलिस चौकियाँ थी पर पुलिस नदारद थी। अभी सारे टीवी न्यूज चैनल दिखा रहे, सर्वे कर रहे, रात को पुलिस सोती नजर आ रही है। ये दिल्ली पुलिस है, ये दिल्ली पुलिस है। अच्छा, ये जो आदर्श नगर की वारदात है, इसमें चाकू लेकर के और प्रोफेशनल तरीके का चाकू लग रहा है, तो क्या लगता है कि युवक पहले से मन बना के आया था हमला करने का? मे बी पॉसिबल है, मन बना के आया था तभी तो वो खंजर लेके आया था। वो ये रास्ता चुना, ये मतलब उनको लगा कि ये हमारे क्राइम करने के लिए ये बहुत अच्छा जगह है, पर उन्हें ये नहीं पता कि यह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो नहीं पता था, उसने वारदात कर दिया। लेकिन ये असुरक्षा की भावना हम महिलाओं के अंदर इतनी घर कर गई है, हमें अपने बेटी अपने बच्चों को बाहर निकालने में डर लग रहा है, स्कूल और ट्यूशंस भेजने में डर लग रही है। मैं एक्चुअली वॉशरूम में नहा रही थी, आवाज आई बड़ी तेज तेज लड़की की मेरे को रोने की, मैं चिल्ला के, मैं नहाई भी नहीं, मैं यूं ही बाहर आई हूं गाउन पहन के, तो यहां पे वो लड़की गिरी पड़ी थी। जब यहाँ गिरी हुई थी तो उसके यहाँ से सारी ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ साइड पे सारा उसका कटा पता नहीं क्या था। फिर बेटा आया मेरा साथ में, बेटे ने यहाँ से चादर उठाई उसके कान पे लगाई, तो हमने उस गुड़िया को बोला कि बेटे क्या बात है, कहाँ रहते हो? उसने A32 बताया मुझे, कंचन डेयरी के पास। फिर वो बेटा आया, उसने उठा के, और एक पानी वाले भैया थे वो आए, उसको मैंने यहाँ बोला भी, कईयों को भीड़ लगी हुई थी काफ़ी, किसी ने उस लड़की को हाथ नहीं लगाया और बोले कि यहाँ लड़की है इस मारे हाथ नहीं लगा रहे। अच्छा। फिर मैंने उस लड़की को उठा के यहाँ से खड़ा करा, उस बेटे को फिर मैंने बोला बेटे को जा इसको छोड़ कर आओ, कोई कन्वेंस है किसी के पास तो इसको डॉक्टर के पास ले जाओ जी। फिर उसको डॉक्टर के पास, मतलब कि वो छोड़ कर आए हैं दहिया डॉक्टर के पास बता रहे थे, उन्होंने मना कर दिया डॉक्टर ने कि मेरे पास ये केस नहीं है। फिर उसको अम्बेडकर ले गए, कहाँ ले गए आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट वो लड़की अब बता रहे हैं कि लड़का भी भाग गया था यहाँ से, चाकू यहाँ गिरा पड़ा था, उसके 2 टुकड़े हो गए थे चाकू के यहाँ सामने जी। बट ये मैं उस वक्त बाहर आई जब तक उस लड़की का बस गया भाई, लड़की बच गई। क्या कंडीशन थी उस समय में, क्या बेहोश हो गई थी? बेहोश नहीं, उसकी ब्लीडिंग हो रही थी और वो चिल्ला रही थी, तो वो घबरा गई एकदम। जब मैंने पूछा कहाँ रहती हो आप जी, तो कह रही है 32 बताया था उसने मुझे, फिर बाद में पता लगा ये 30 में रहती है वो लड़की। मैम पहले कंझावला वाला भी आपको केस फॉलो हुआ होगा? हाँ, मैं न्यूज़ में सुना है। दिल्ली में महिलाएं, आप खुद भी एक महिला हैं, हाँ। कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं घर से बाहर निकलने? भाई देखो, लड़कियों का मामला है, लड़कियां, मैं कोशिश ये करती हूँ कि लड़कियां अकेली या पतली गलियों में ना जाएं तो बेटर है। जो भी चीज़ें फ्रंट पर आओ, पब्लिक होती है, पब्लिक भी आजकल मैंने देखा है कोई भी किसी लड़की को सपोर्ट नहीं करती है, कोई बच्चा गिरा पड़ा है चोट लग रही है उठा के राजी नहीं है। लोग क्या यहाँ से निकल रहे थे जब उसमें? कोई भी नहीं था, बाद में वहाँ पे सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, RW वाले भी आए थे, बाद में आए थे वो, लेकिन उठाया नहीं किसी ने भी नहीं उस लड़की को हाथ लगाया वो।
सर क्या कुछ वारदात के बारे में आप लोगों को मालूम पड़ा था और कितना सुरक्षित महिलाओं को? जब वारदात हुई थी तो हम लोग मौके वारदात पर 5-7 मिनट के अंदर ही आ गए जी, और देखा कि उस समय लड़की काफ़ी घायल हो गई थी। उसको नज़दीक के दया एक डॉक्टर साहब हैं हमारे, उनके पास ले गए थे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। जिसको उसको रेफ़र कर दिया गया बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में उनकी स्थिति बनी हुई, सही बनी हुई थी। हम मिलने भी गए थे उनसे, तो वहाँ सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसा कि फुटेज पे हम देख रहे हैं कि वो लड़की और लड़का आपस में जानकार लगते हैं जी, और उनका आपस में किसी बात पर जैसे हो गया विवाद हो गया, तो उसमें ये विवाद ये था कि वो जैसे पर्सनल उनकी अपनी ज़िंदगी की है बातें सारे, तो जिसको कि ऐसे ठीक से समझना तो उनसे ही बात करने पे समझ में आएगी सारी बात। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। सब महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? बहुत नहीं, इतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है दिल्ली में महिलाएं जो हैं, और हमारे बुजुर्ग खास करके, तो ये ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। और बच्चे तो भटक चुके हैं, फेसबुक व्हाट्सएप ये ग्रुप जो है उनको भटका रहे हैं। ठीक, यहाँ से उनको रास्ता भी मिलता है जीवन जीने का, लेकिन वो भटक भी रहे हैं।